अस्पताल में लगा ताला प्रसूता फर्श पर तड़पती रही। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी संख्या को बढ़ावा दिया जाए। किसी भी गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल न जाना पड़े, लेकिन जनपद खीरी की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र के फुलबहेड़ की ब्लॉक नकहा के गांव पतरासी से सामने आया, जहां पर एक प्रसूता पतरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई तो वहां पर ताला लटक रहा था और जिम्मेदार अधिकारी गायब थे। पीड़िता दर्द से तड़प रही थी, प्रसूता फर्श पर तड़पती रही। स्टाफ नर्स ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता दर्द से फर्श पर तड़प रही थी, लेकिन बेदर्द स्वास्थ्य कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां पर मौजूद दाई ने बताया कि स्टाफ नर्स रीता ने ड्यूटी पर नहीं होने की बात कही। दाई बोली, रात में ड्यूटी हम ही करते हैं, ऑपरेशन का केस है, लखीमपुर ले जाओ। फिलहाल पीड़ित ने सीएमओ खीरी को फोन पर घटना की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर परिजन गर्भवती सागुनी को जिला अस्पताल ले गए। मिली जानकारी के अनुसार सागुनी का पति दिल्ली में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। अब देखना होगा लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाएं कब तक बेहतर होगी। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी संवाददाता जर्रान खार की रिपोर्ट। हाईवे पर दर्शनार्थियों से भरी जाइलो कार डिवाइडर से भिड़ी, एक दर्जन घायल। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से, जहां गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बिहसपुर स्थित अंडरपास पर टायर फटने से अनियंत्रित जाइलो कार डिवाइडर से जा भिड़ी। घटना में वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ उस पर सवार एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि जोगापुर प्रतापगढ़ निवासी आकाश शर्मा पत्नी बच्चों और परिवार के साथ सोमवार को विंध्याचल दर्शन पूजन करने जा रहे थे। भदोही से हमारे सहयोगी संवाददाता जमाल अहमद की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर पलटी कार, 5 लोगों की मौत, 7 घायल। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पलिया के पास अतरिया क्रॉसिंग के आगे PWD की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। बीते वर्ष बाढ़ के कारण सड़क कट गई थी, जिसमें आज सुबह एक गाड़ी पलट गई, जिसमें करीब 12 लोग सवार थे। गाड़ी सड़क के किनारे एक पुलिया में गिर गई, जिसमें मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी से जर्रार खान की रिपोर्ट।